पिता ड्राइवर और माँ हाउसवाइफ, पूरे दिन पसीना बहाते हैं तो मनी के माता पिता अपने मनी को दो वक्त का खाना खिलाते हैं। ऐसे में मनी खाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते, लेकिन मनी की किस्मत ने साथ दिया और वो जमीन से उठकर आसमान तक पहुँचे और बड़े बड़े स्टार्स तक मनी का सपोर्ट करते दिखाई दिए। हेमा मालिनी से लेकर धर्मेंद्र जी, नेहा कक्कर जैसे कई स्टार्स ने मनी की पैसों से भी मदद की और संगीत में वो आगे बढ़े उसके लिए भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया गया। हालांकि मनी सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर नहीं बन पाए, लेकिन पंजाब के लिए वो विनर बनकर घर लौटे हैं। जब वो घर लौटे तो पूरा पंजाब उनके लिए इमोशनल हो गया। ढोल नगाड़ों के साथ छोटे मनी का घर में स्वागत किया गया, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। घर में मनी जब एंट्री करते हैं तो उनके माता पिता रोते दिखाई देते हैं। मनी के लिए खूबसूरत डेकोरेशन की जाती है, उनके गाँव वाले लोग उनके लिए काफी अच्छा इंतजाम करते हैं। मनी ये सब देख कर इमोशनल हो जाते हैं और अपने माता पिता के गले लग जाते हैं। मनी के माता पिता को भी अंदाजा नहीं था कि उनका मनी एक दिन पूरे देश में उनका नाम रोशन करेगा। मई में ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे, जिसके बाद मनी को मुंबई में फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से मनी को मुंबई नहीं जाने दिया। बाद में दिल्ली ऑडिशन में मनी को बुलाया गया तो परिवार किसी तरह वहाँ मनी को लेकर पहुँच गया और ऑडिशन में मनी की आवाज से कुछ लोग इस कदर मंत्रमुग्ध हो गए, जिसके बाद मनी के परिवार और मनी का मुंबई जाने का पूरा खर्चा तक उठाया गया। 22 मई से शुरू के महासंग्रह में दिल्ली में हुए ऑडिशन में 2300 कंटेस्टेंट में मनी उन 3 कंटेस्टेंट में से शामिल थे जिन्हें शो के लिए सेलेक्ट किया गया था। देश भर के कई शहरों में हुए ऑडिशन में कुल 30 कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से मनी 10वें स्थान पर थे। मनी के परिवार में किसी का भी संगीत से दूर दूर तक नाता नहीं है। माँ सुनीता हाउस वाइफ है, जबकि पिता सलीम ड्राइवर है। पिता की आय से परिवार का मुश्किल से गुजारा हो पाता है। मनी के मामा सुमित संगीत में रुचि रखते हैं, बस उन्हीं से मनी को जो कुछ संगीत की शिक्षा मिली है। मनी ने जैसे तैसे सरकारी स्कूल से 5वीं कक्षा भी पास कर ली है और अब हमें यकीन है कि मनी आगे तक भी पढ़ाई करेंगे और संगीत में भी आगे बढ़ेंगे और भी शोज के लिए मनी कोशिश करेंगे और एक दिन आप फिर मनी को किसी बड़े मंच पर देखेंगे। तो शायशा जैसे ही पंजाब पहुंची, वैसे ही वहां लोगों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई। ढोल नगाड़ों के साथ शायशा का घर में स्वागत किया गया। एक होटल में शायशा के लिए पार्टी रखी गई और शायशा वहां गाना गाती दिखाई दी। पंजाब की जनता छोटी शायशा को गाते देखकर बहुत खुश हुई। शायशा पहले ही अपने पंजाब के लिए विनर है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बड़े मुकाम पर पहुंचेंगी, क्योंकि अभी तो उनकी शुरुआत है और अभी वो बहुत छोटी भी है और इस छोटी सी उम्र में शायशा ने जो कर दिखाया वो भी छोटी बात नहीं है। शायशा गुप्ता का जन्म सुजानपुर में हुआ। जब वो 1 साल की थी तब से उनके पिता का तबादला मोहली में हो गया। 3 साल की शायशा ने मॉडलिंग और सिंगिंग में अपने दादा की सहायता से शिक्षा प्राप्त की। 4 साल की जब शायशा हुई तो उन्होंने मोहली से कुछ शिक्षा प्राप्त की। कथन सीखते सीखते उनकी मुलाकात संगीत के टीचर से हुई। उन्होंने संगीत में रुचि देखते हुए आगे बढ़ती चली गई और क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें पता चला कि सुपरस्टार सिंगर 1 के ऑडिशन बारे में, तो शायशा ने यहाँ कोशिश की और वो आज सफल होकर निकली है। तो शायशा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इनाम में मिले 15 लाख रुपए माँ को दूंगा ताकि वो घर खरीद सके, अभी हम किराए के मकान में रहते हैं। ये कहना है रियलिटी शो सिंगिंग के एक सुपरस्टार 2 के विजेता और 14 साल के मोहम्मद फैज का। मोहम्मद फैज रविवार शाम 5 बजे मुंबई से जोधपुर अपने घर लौटे। 8 महीनों का सफर उनका बहुत ही ज्यादा यादगार और कामयाब रहा। संडे की शाम को जोधपुर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर फैज के दोस्तों और स्कूल की ओर से स्वागत किया गया। सुभाष नगर की कॉलोनी में उनके लिए ढोल बजे। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार फैज के साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखे। पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल दिखा। फैज ने कहा, ये मेरा सपना था जो पूरा हो गया। वैसे सच कहूँ तो ये सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन ये मुकाम मिलेगा। जनवरी 2022 में मुंबई पहुंचा था और पहला ऑडिशन दिया था। उस ऑडिशन पर यूट्यूब पर 20 मिलियन व्यू मिले थे। मुझे बहुत पसंद किया गया, फिर मैं और आगे चलता चला गया। 8 महीने का सफर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। हिमेश सर के हिमेश रेशमिया मेलोडीज के लिए गाना भी गाया। तेरे लिए एल्बम के लिए रब की सौगात, तू सनम, तुझको खोने से मैं डरूं, तेरी आंखें हैं गीत गाए हैं। ये तीसरा सॉन्ग और इससे पहले हिमेश सर के लिए मेरे लिए और जान से ज्यादा गीत गा चुका हूँ। फिनाले से पहले सभी को दुख हो रहा था, सभी टॉप 15 को बहुत मिस कर रहे थे। हम हर समय साथ रहते थे। प्रांजल, रोहन,
चैतन्य, स्वे, प्रत्युष, मनी सभी को मिस कर रहा हूँ। मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। मसलन चॉकलेट बॉय, ड्रीम बॉय, वॉइस ऑफ रोमांस, छोटा शाहरुख खान भी मुझे नाम दिया गया। पहला ऑडिशन स्कूल यूनिफॉर्म में मैंने दिया था। वहाँ मुझसे पूछा गया कि यूनिफॉर्म में क्यों आए हो, तो बताया था मैंने कि मैं यूनिफॉर्म में स्मार्ट लगता हूँ। फैज ने बताया कि मैं अभी 9वीं क्लास में हूँ। सिंगिंग का सफर तब शुरू हुआ जब मैं 8 साल का था। मुंबई में शो के दौरान स्कूल के दोस्त फोन करते थे, वो चाहते थे कि ये दोस्ती ऐसी रहे और तुम सिंगिंग में भाग लो। मोहम्मद फैज ने आगे कहा कि सिंगिंग मेरे ब्लड में है। फैज के नाना उस्ताद शकूर खान साहब क्लासिकल सिंगर रहे, उन्हीं से इन्होंने संगीत सीखा। किशोर कुमार, रफी, लता जी को फॉलो करता था। आज के सिंगर्स में फैज को अरिजीत सिंह काफी पसंद है। वैसे सभी सिंगर पसंद है, सभी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, लेकिन अरिजीत मेरे आइडल है, ऐसा फैज ने कहा। फैज आगे कहते हैं कि माँ कहती है बहुत खुश है और चाहती है कि मेरे एल्बम निकले और मैं अरिजीत सिंह की तरह बनूं। फैज ने कहा कि मेरे मामा प्रतीक ने मेरा सपना पूरा किया। सुबह जल्दी उठाकर रियाज करवाते थे और इस कामयाबी के बाद मुझे भी कई बदलाव देखने को मिले। मैं यही कोशिश करूंगा कि आगे भी पढ़ाई करता रहूं। फैज की बहन आयशा ने कहा कि बचपन से ही फैज को सिंगिंग का शौक था। घर में कोई भी आए वो गाने में बिजी रहते थे। हमारी बॉन्डिंग अलग है। फैज की बहन ने कहा कि वो गाना कंपोज भी करता था। कोई भी गाना रिकॉर्ड करता था तो पहले बताता था। घर में हर जगह, खिड़की में, बरामदे में, बाथरूम में तक वो गाना गुनगुनाता था और आज उसका ये सपना पूरा हो गया। वाकई हर कोई फैज के लिए बहुत खुश है। तो आप फैज के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फैज मोहम्मद फैज इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट अरुणिता कांचुलाल के स्टूडेंट थे। भले ही अरुणिता कांचुलाल इंडियन आइडल 12 का टाइटल नहीं जीत पाई हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बाजी मान ली। उन्होंने अपने स्टूडेंट मोहम्मद फैज के जरिए अपना जीत का सपना पूरा कर लिया है। सुपरस्टार सिंगर के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे टॉप 6 फाइनलिस्ट में पवनदीप राजन के 2 स्टूडेंट्स शायशा और प्रांजल भी शामिल थे। तो मनी और ऋतुराज सलमान अली के स्टूडेंट थे। आर्यनंदा मोहम्मद दानिश ने ट्रेन किए थे। इन सभी कंटेस्टेंट का सफर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहा। पवनदीप अरुणता के साथ मोहम्मद दानिश, शायली और सलमान अली ने भी खूब मौज मस्ती की। मोहम्मद फैज को ट्रॉफी के साथ साथ 15 लाख का चेक भी मिला। सुपरस्टार सिंगर 2 के ये विनर जीत की रकम अपने माता पिता को देने वाले हैं। मोहम्मद फैज को सुपरस्टार सिंगर 2 के जज हिमेश रेशमिया ने यूथ सेंशन का टाइटल भी दिया। हर एपिसोड में जोधपुर के ये टैलेंटेड सिंगर जजों का दिल जीत लेते हुए नजर आए थे। इस शो में शामिल होने वाले मेहमान सेलिब्रिटी भी फैज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए मोहम्मद फैज ने कहा कि सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच ने मुझे काफी कुछ दिया है। जब मैं इस शो में आया था तब मुझे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज मुझे हर कोई जानने लगा है। मैंने इस सफर में काफी कुछ सीख लिया है। मैं इस मंच का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इस सफर में हर सभी ने अपना श्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। कॉम्पिटिशन से ज्यादा हमारा उद्देश्य सबका मनोरंजन करना था।